माय नेम इज हनीशा वर्मा, आप हो अपने फेवरेट चैनल हनी एंड टेक में। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मी टू मी स्कैम के बारे में। मी टू मी स्कैम की जो मोडस ऑपरेंडी वो टू टाइप्स है। एक तो आपको लगता है कि आप अपने आप को ही फंड ट्रांसफर कर रहे हो, दूसरी बार में ऐसे लगता है कि मैं मेरे साथ मेरे अकाउंट में जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए इसको नाम दिया गया है मी टू मी स्कैम। तो सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। वेल फार्गो एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इस बैंकिंग के एक अकाउंट होल्डर के साथ हुआ था एंड ये काफी लोगों के साथ हुआ। पहले ये 2021 में हुआ, उसके बाद काफी लोगों के पास हुआ। तो 2021 से 2022 में मी टू मी स्कैम काफी यूएस में वायरल हो रहा है, काफी लोगों के साथ हुआ है एंड FBI एंड बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एजेंसी है जो इसको प्रिवेंट करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा इंडियन ऑडियंस के लिए मी टू मी स्कैम जानना बहुत जरूरी है। सो मी टू मी स्कैम में क्या होता है, आपको एक मैसेज आता है। इस मैसेज में आपको आएगा जैसे आपने किसी को फंड ट्रांसफर इनिशिएट किया हो और आपको बताया जा रहा है आपने ये फंड ट्रांसफर इनिशिएट किया है, से यस और नो। आप यस या नो जो भी आंसर दोगे, आप यस भी बोलते हो या नो भी बोलते हो, अगर आपने रिस्पॉन्स किया तो आपको इमिडिएटली एक कॉल आता है। जो कॉल करता है वो अपने आप को बैंक का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट करता है। वो बोलता है दैट आपने ये फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की थी, सो डू नॉट डू दिस फंड ट्रांसफर, आई विल होल्ड दिस ट्रांजेक्शन, जिसके लिए आपको वो डिटेल शेयर करनी होगी। सो बेसिकली वो आपको ऐसी तरह से बता रहा है दैट ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, बट ही इज नॉट एक्चुअली द बैंक ऑथोराइज पर्सन, ही इज अ फ्रॉडस्टर। इसलिए वो आपका कॉन्फिडेंस जीत लेता है। और नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप वो बोलता है दैट मैं आपके अकाउंट को सिक्योर कर रहा हूँ, तो जो फंड ट्रांसफर है मैं आपको आप ही के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करता हूँ। होल्ड ऑन, आपको आप ही के अकाउंट में फंड ट्रांसफर ये कैसे होगा? सो बेसिकली वो क्या करते हैं, जैसे इंडिया में मोबीक्विक पेटीएम एंड डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट्स है, वैसे यूएस में भी डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट्स है जो वॉलेट में आपके नाम का अकाउंट क्रिएट किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल किसी फ्रॉस्टर ने अगर मुझे कॉल करना है तो वो हनीशा के नाम का एक वॉलेट अकाउंट क्रिएट करेगा और वहाँ पे वो मुझे कॉल करके ये बताएगा दैट आई एम ट्रांसफरिंग फंड टू योर ओन अकाउंट। यू विल थिंक दैट इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग दिस फंड टू फ्रॉस्टर अकाउंट, आई दिस फंड इज गेटिंग ट्रांसफर टू माय ओन अकाउंट। सो इसलिए शायद कोई भी नॉर्मल नेम है तो उसको परमिशन दे देता है। तो यूएस में यही हो रहा था, लोगों को लग रहा था दैट दे आर ट्रांसफरिंग, दे आर अलाउिंग द बैंक पर्सन टू ट्रांसफर द फंड इन देयर ओन अकाउंट। सो लोगों ने परमिशन दे दी। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो एक्चुअली एक फेक अकाउंट होता है जो फ्रॉस्टर का खुद का होता है, लेकिन वो अकाउंट होल्डर के नाम पे बनाता है वॉलेट अकाउंट, और फंड ट्रांसफर करने के लिए जो OTP और वेरिफिकेशन ड्यूअल वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली फॉलो होता है। अकाउंट होल्डर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जैसे OTP आया है, मेल पे लिंक पे क्लिक करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद फ्रॉस्टर अकाउंट में अपने अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर लेता है। अकाउंट होल्डर को लगता है कि वो फंड ट्रांसफर उसके ओन अकाउंट में हो रहे हैं और जहाँ तक उसको पता चल जाता है तब तक तो काफ़ी लेट हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोडस ऑपरेंडी ऑफ मी टू मी। सेकेंड जो ट्रिक्स है वो आपको इस तरह से बताते हैं दैट आपके अकाउंट में जब भी आपको कॉल आता है दैट यू हैव अटेम्प्टेड टू ट्रांसफर द फंड, वो ये भी बोलते हैं दैट आई एम ट्राइंग टू रीसेट योर ID एंड पासवर्ड। सो मैं आपके अकाउंट को रीसेट कर रहा हूँ, तो आपको जो लिंक पे आया है मैसेज आया उस पर क्लिक कीजिए। सो जो मैसेज आता है वो भी आपको सिमिलर मैसेज लगेगा कि बैंक से ही आया है। इफ यू क्लिक ऑन दैट, बैकग्राउंड में आप एक्चुअली फ्रॉस्टर को ऑथोराइज कर रहे हो, आपके अकाउंट की परमिशन दे रहे हो, वो आपका ID रीसेट कर लेता है और आपके अकाउंट से फंड ट्रांसफर कर लेता है। सो ये दोनों भी मोडस ऑपरेंडी मी टू मी स्कैम में यूज हो रही है। यूएस में ये काफी बार हुआ है, इंडिया में भी यूज हो सकता है जहाँ पे आपके वॉलेट के नाम पे अकाउंट क्रिएट किया जाएगा और फंड ट्रांसफर हो जाएगा। सो इस सबसे बचने के लिए क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको किसी को भी अपने अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देनी है। आपको कोई भी तरह की लिंक पे शेयर नहीं करना है। बहुत इजी है जर्नी, बहुत इजी है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आपको आपके अकाउंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देनी है। तो आई होप आपको समझ में आया हो मी टू मी स्कैम क्या है। मी टू मी के स्कैम के बारे में डिटेल में मैंने बताया है, जो डिटेल में मोडस ऑपरेंडी यूज हो रही है, जो फ्रॉस्टर यूज कर रहा है उसके बारे में मैंने कम्प्लीटली आपको डिटेल्स बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज ये लेटेस्ट साइबर फ्रॉड हैक है जो आज की डेट में इंडिया में भी अडॉप्ट हो सकता है।